हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आईएलएस प्लाजा। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईओआर के बारे में। एक हमारे स्टूडेंट ने जो कि ईओआर फिल की थी, ईओआर फिल करने के बाद जब उनका रिजल्ट आया तो उनका बैंड स्कोर 2 मॉड्यूल में इंक्रीज हो चुका था। तो इनकी स्टोरी शेयर करेंगे और साथ ही साथ अगर आप भी ईओआर फिल करना चाहते हैं तो मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है, अदरवाइज आपका बैंड स्कोर ईओआर फिल करने के बाद इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी बच्चा आईएलएस के प्रेपरेशन कर रहा है और हमारे इस चैनल पर पहली बार आया तो उनको मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के जो बेनिफिट है वो ओनली 30 सेकंड में बता देता हूं। एक्चुअल एग्जाम की टफ लिसनिंग जहां पर मिलती है, अगर आप उस लिसनिंग में 23 स्कोर करने लग गए तो रियल एग्जाम में 7+ लेकर जाओगे, इस बात की 100% गारंटी है। टफ रीडिंग मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, राइटिंग के टेम्पलेट, राइटिंग का स्ट्रक्चर, पूरे पंजाब में जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो राइटिंग का मटीरियल प्रोवाइड करवाते हैं वो सारा जो मटीरियल आपको एक ही चैनल पर मिलना है वो है आईएलएस प्लाजा। ठीक है, फ्री में, भी स्पीकिंग के न्यू क्यू कार्ड का पीडीएफ फ्री में, आपके हर एक एग्जाम के लिसनिंग रीडिंग के आंसर, हर एक एग्जाम का रिव्यू आपको इस चैनल पर मिलेगा। सबसे पहले आपके हर एक रिजल्ट का रिव्यू, आईडीपी की तरफ से कोई अपडेट, कोई न्यू चीज चल रही है, कोई न्यू ट्रेंड आया उसके बारे में जो अपडेट होती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाता है आईएलएस प्लाजा। कनाडा की ओर से कोई न्यूज, ऑस्ट्रेलिया से कोई न्यूज आती है, आईआरसीसी की तरफ से कोई अपडेट आती है उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको जहां पर मिल जाती है। और रिपीटेड टास्क 2 जो कि रिपीट हो रहा है उसका जो मटेरियल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल आपकी हेल्प करे तो आपको बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब और आप ये सारे बेनिफिट ले सकते हो। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। तो इन्होंने अपना जो एग्जाम है वो 29 अक्टूबर को दिया। लिसनिंग में इनका बैंड स्कोर आया था 6.5, रीडिंग में 6, स्पीकिंग और राइटिंग में इनका जो बैंड स्कोर वो दोनों में 5.5 था। इसके बाद इन्होंने मेरे से बात की कि सर मुझे ईओआर फिल करनी चाहिए। तो मैंने इनसे एक ही सवाल पूछा कि क्या आप कॉन्फिडेंट है, क्या आपका जो इंस्टीट्यूट में ऐसे ही स्कोर आते थे? तो इन्होंने मुझे बताया कि नहीं सर, ऐसे नहीं आते थे। तो मैंने कहा कि आपको डेफिनेटली जो ईओआर फिल करनी चाहिए। तो इन्होंने उसके बाद ईओआर फिल की और दोनों मॉड्यूल की ही ईओआर फिल कर दी, बल्कि काफी मतलब कि आप जहां पर देख सकते हैं कि 2 मॉड्यूल में बैंड स्कोर कम आए हैं और इन्होंने बड़ा रिस्क लिया था और दोनों मॉड्यूल की इन्होंने ईओआर फिल कर दी। तो आगे इनका जो रिजल्ट आया दोनों ही मॉड्यूल में, स्पीकिंग में भी राइटिंग में भी, इनका जो बैंड स्कोर आधा आधा बैंड स्कोर इनका इंक्रीज हो गया। बल्कि ऐसा नहीं कि ईओआर की सक्सेस रेट, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ईओआर की सक्सेस रेट कितनी होती है, सक्सेस रेट मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंट, आप क्या कॉन्फिडेंट हो कि आपका जो राइटिंग का मॉड्यूल, स्पीकिंग का मॉड्यूल कैसा गया है, इसके ऊपर ही आप अपनी ईओआर फिल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं 2 इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपने माइंड में रखनी है अगर आप ईओआर फिल करना चाहते हो। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, मानकर चलो कि आपका जो स्पीकिंग में बैंड स्कोर 5.5 आया है रियल एग्जाम में, बट आपका जो इंस्टीट्यूट में बैंड स्कोर वो 6.5 था और आपको लगता है कि जैसे मैं जो स्पीकिंग इंस्टीट्यूट में देता था वैसे ही स्पीकिंग मेरी रियल एग्जाम में भी हुई है और मेरा जो बैंड स्कोर अच्छा नहीं आया, तो आपको डेफिनेटली ईओआर की तरफ जाना चाहिए। ऐसा ही राइटिंग में, अगर आपका राइटिंग में बैंड स्कोर 6.5-7 आता है, एटलीस्ट 6 भी आता है, अगर आपको लगता है कि हाँ जैसा मैं इंस्टीट्यूट में करता था सेम राइटिंग मेरी एग्जाम में हुई है, ठीक है, उससे ज्यादा ही हुई है, तो आप डेफिनेटली ईओआर की तरफ जा सकते हैं। आपको एक बार भी सोचना नहीं चाहिए, ये पहली चीज है जो अपने माइंड में रखनी है। और एक बार अपने ट्रेनर से क्लियर कर लेना कि क्या आपने जो आइडियाज हैं वो सही लिखे हैं, उसको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से किया, एक बार इस चीज को डिस्कस कर लेना, ये फर्स्ट बात होगी। और सेकंड बात, आपको ईओआर 2 मॉड्यूल की फिल करनी चाहिए, स्पीकिंग की और राइटिंग की। ठीक है, मान लीजिए आपका जो बैंड स्कोर स्पीकिंग में 7 है पर राइटिंग में 5.5 है, तो आप सोचोगे चलो राइटिंग में बैंड स्कोर कम है तो चलो राइटिंग की ही जो मैं ईओआर फिल कर देता हूं, ऐसा ना करो, दोनों मॉड्यूल की स्पीकिंग भी कर दो, राइटिंग भी कर दो। हो सकता है कि स्पीकिंग में आपका बैंड स्कोर इंक्रीज हो गया, आपका जो मान लीजिए राइटिंग में नहीं हुआ बट आपका जो फीस आपने पे की है वो रिफंड हो सकती है, इसमें रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है कि आपका बैंड स्कोर 1 मॉड्यूल में इंक्रीज हो जाता है। तो ये सेकंड टिप है, इसको जरूर माइंड में रखना, चाहे आपको लगता है कि हां मेरी स्पीकिंग में बैंड स्कोर सही है बट फिर भी उसकी ईओआर फिल कर दो, कुछ नहीं जाता आपका। ठीक है, क्योंकि फीस तो उतनी ही है। तो आप ऐसा ही, अगर आपका बैंड स्कोर राइटिंग में 5.5 है, राइटिंग में 7 है तो स्पीकिंग में कम है, तो आप दोनों मॉड्यूल की ईओआर फिल कर सकते हो। तो ये दोनों टिप को आप माइंड में जरूर से रखना और दोनों मॉड्यूल की ईओआर फिल करो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना और किसी को देखकर ईओआर फिल मत करो कि उसका बैंड स्कोर इंक्रीज हो गया मेरा भी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मेरे साथ अनफेयर हुआ है तो आप डेफिनेटली ईओआर की तरफ जा सकते हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और ऐसे ही अपना जो प्यार है अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आईएलएस प्लाजा के साथ बना के रखिए। आपके लिए वैल्यूएबल जो मटीरियल है वो मैं फ्री में प्रोवाइड करवाने की कोशिश लगातार करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।